हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर, हम लोग स्टील डालते हैं, स्टील का कितना परसेंटेज डाले हैं? अगर सॉफ्टवेयर ने स्टील बताया कि इतना परसेंटेज स्टील हम ले रहे हैं, सपोज 0.8% या 0.9%, इस तरीके से अगर स्टील बता रहा है सॉफ्टवेयर, तो हम कैसे पता करें कि ये सही स्टील बता रहा है या नहीं? तो उसके लिए आपको स्टील के कुछ क्राइटेरिया जाननी पड़ेगी, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्टील के बारे में भी जानोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आज का जो वीडियो, इस वीडियो हम लोग स्टील के बारे में ही समझने जा रहे हैं कि स्टील होता क्या एग्जैक्टली, और स्टील किस तरीके से हम लोग इसको कितना परसेंटेज मिनिमम रखना चाहिए, कितना मैक्सिमम रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ आएगा। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर उसके बाद आगे जाओ देखने के लिए। और जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं, प्लीज़ इसको अपने शेयर कर देना व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मच TMT बार रिक्वायर्ड इन RCC? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही सबके दिमाग में आता है, तो आपको उससे पहले जानना चाहिए व्हाई TMT बार रिक्वायर्ड इन RCC। सबको पता होगा TMT में होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। एग्जैक्टली होता क्या है ये कोल्ड प्रोसेस से स्टील को बनाना का मेथड होता है, मींस स्टील को कोल्ड करके तब बनाया जाता है, उसको थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बोलते हैं। और ये जो होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। RCC मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। The composite strength of RCC is high, but TMT bar required to add the tensile strength in RCC. आप सबको पता है RCC के अंदर जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्रिएट करता है, और जो स्टील होता है वो क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। विदाउट TMT bars, RCC is solid, but pressures can break it. जब उसके अंदर हड्डी नहीं है, हड्डी मीन्स RCC, हड्डी मीन्स स्टील, अगर स्टील नहीं है तो ब्रेक कर सकता है। तो TMT बार्स इज यूज टू ऐड द टेंसाइल स्ट्रेंथ इनटू इट, एवरी स्ट्रक्चर बी इट कॉमर्शियल रेसिडेंशियल, इट शुड हैव अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी करता है कि ये थोड़ा बहुत बेंड हो गया तो उसको क्या करेगा, इसीलिए बोलते हैं ना डक्टाइल डिटेलिंग, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, सो दैट इट कैन विथस्टैंड द प्रेशर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आया तो अगर आपके पास स्टील है तो अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसके अंदर डैम्पिंग भी आ रहा है तो कंट्रोल कर ले जाएगा स्ट्रक्चर को। सो TMT बार इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एवरी स्ट्रक्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज अर्थक्वेक रेजिस्टिंग TMT बार्स। TMT बार अगर 500D अगर है तो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग TMT बार होता है। Nowadays we are using in industry, और थोड़ा सा सभी साइटों पर नहीं चल रही, कुछ ही साइटों पर जो अच्छी साइट है दे आर यूजिंग। स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग TMT बार्स इन RCC मीन्स हाउ मच स्टील रिक्वायर्ड, हाउ कैन वी कैलकुलेट? तो देर आर फिक्स स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल BBS फॉर क्लासीफाइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ बार एंड डायमीटर, इट मे बी बीम, इट मे बी कॉलम, इट मे बी फुटिंग। तो कैसे करेंगे, लिस्ट डाउन ऑल द शेप्स ऑफ बार, उसमें क्रैंक बार कितने हैं, उसमें कटिंग लेंथ कितना है और इफेक्टिव लेंथ कितना है, सारा कुछ आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद नोट डाउन द नंबर ऑफ बार्स, टोटल कितने बार्स लगे हुए हैं उसमें, टॉप में कितने, बॉटम में, सब कुछ। अब एक बहुत अच्छा स्टेप है क्या, कैलकुलेट द कटिंग लेंथ ऑफ द बार्स, जो कटिंग लेंथ होता है ना कॉर्नर्स पे, तो उसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, लेंथ ऑफ द मेंबर्स माइनस डिडक्शन फॉर कवर ऑन बोथ साइड, ये फुटिंग में आपको लगेगा, प्लस डेवलपमेंट लेंथ यानी LD 0.87 FY 4 TAU BD, या तो आप अप्रॉक्स 40D से डेवलपमेंट लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका कटिंग लेंथ आ चुका है तब आपको कैलकुलेट करना है यूनिट वेट ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द ईच डायब बार्स। तो ईच डायब बार का आप सबने पता है कि कितना क्या फॉर्मूला होता है, मीन्स अगर 8 mm का बार है तो उसका वेट निकालना है तो क्या करेंगे, D² / 162, राइट, 162 आई स्क्वायर में लिखा रहता है 162.2, तो अगर लिखना चाहते वो भी कर सकते हैं, 162 इज ऑल्सो ओके, मतलब अप्रॉक्स रहता है। कैलकुलेट वेट ऑफ
टीएमटी बार्स। तो वेट आप रीबार पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या नंबर ऑफ बार्स इनटू ऊपर निकाल चुके हैं आप इनटू कटिंग लेंथ इनटू यूनिट वेट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया आपको वेट ऑफ रीबार पता चल गया। इसके बाद हाउ मच टीएमटी बार रिक्वायर्ड इन आरसीसी, यही मेरा आज का मेन टॉपिक है। तो देखो इसमें क्या सीधे लिखा हुआ है, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एज पर बिलो। जैसे कि अगर बीम है तो बीम के लिए आपको निकालना है, तो क्या फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 0.85 बीटी बाई एफ वाई क्रॉस सेक्शन एरिया, बस इतना निकाल लो। अगर इतना निकालने पर आपका स्टील उतना ही आ रहा है मतलब मिनिमम, तो दैट इज ओके, उसके नीचे है तो फिर स्ट्रक्चर आपका सेफ नहीं है। स्लैब का बहुत ही आसान से आप निकाल सकते हैं 0.12% ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया जो है उसका 0.12% मिनिमम स्टील आपको यूज करना ही पड़ेगा स्लैब में, और कॉलम में 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद आता है आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एज बिलो। क्या सबको पता है बीम, बीम 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका टोटल आपका, उसमें जो 4% उसका स्टील अगर आ रहा है तो मैक्सिमम ओके है। स्लैब में भी 4% और कॉलम में 6%, बट कॉलम में भी 4% ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि 6% अगर हो जाता है तो वहाँ पे वाइब्रेट करने में, कॉलम को प्लेस करने में स्पेस नहीं बचता सही तरीके से, तो प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम 6 है, जैसे कि ब्रिज वगैरह में तो ध्यान देना पड़ता है, मैक्सिमम 6 है, बट 4% आप यूज करेंगे तो भी अच्छा रहता है। टीएमटी बार रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टीएमटी बार इज द मोस्ट इसेंशियल मटेरियल इन आरसीसी, जैसे सबको पता है टीएमटी बार आर थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, देयरफॉर इट कम्स विद अनमैच फीचर्स सच एज, इसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्या क्वालिटी होती हैं, पहला होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, क्या होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है। दूसरा करोजन रेजिस्टेंस, इसके अंदर करोजन नहीं होता है। इसके अलावा फायर रेजिस्टेंस, जल्दी आग नहीं लगती। बेंडेबिलिटी, जल्दी बेंड नहीं होता, वेल्ड नहीं होता। तो ये सब जो इसके क्वालिटीज हैं, इसकी वजह से टीएमटी को ही मार्केट में प्रीफर करते हैं। टीएमटी बार्स कम इन डिफरेंट ग्रेड सच एज Fe415, Fe500, Fe अभी 250 बंद हो चुका है, आपको भी पता है Fe550, Fe600 एक्सेट्रा। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स Fe500D इज द बेस्ट ग्रेड ऑफ टीएमटी बार्स। अगर टीएमटी बार यूज कर रहे हैं तो आपको मार्केट में बोलिए आपकी 500D देना, तो वो सबसे अच्छा रहता है। आज के टाइम में आप कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं जितनी भी बड़ी साइट्स हैं उन पे। इसके बाद टीएमटी बार रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब टीएमटी बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कैसे कैलकुलेट करोगे, एक अप्रॉक्स आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्स स्टील बार रिक्वायर्ड फॉर पर स्क्वायर फीट इज 4 kg। अब जितने स्क्वायर फीट हैं आपको एक आराम से निकाल सकते हो, आपको पता चलेगा 1000 स्क्वायर फीट है 4 × 1000, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। ओके, और इसके बाद प्राइस ऑफ टीएमटी बार कैन चेंज इन कॉस्टिंग, ठीक है। अगर देखो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राइजेस रहते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। टीएमटी बार्स इज यूजुअली बॉट इन मैट्रिक टर्म्स, टन में खरीदा जाता है, मैट्रिक टन, 5 मैट्रिक टन, 6 मैट्रिक टन, 10 मैट्रिक टन। अलॉन्ग विथ प्राइज इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी एज वेल, ठीक है। इसको अगर अच्छे से आप क्वालिटी नहीं यूज करेंगे तो आपको खुद मजा नहीं आएगा। टीएमटी बार लेना कौन सा चाहिए, अगर आप ले रहे हो तो आपको आईएसओ सर्टिफाइड वाला लेना चाहिए। अगर आप साइट इंजीनियर हो तो आपके लिए ध्यान देना चाहिए टीएमटी बार दैट मैन्युफैक्चर एट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। अगर स्टील प्लांट में बना है, NABL के द्वारा अटेस्टेड किया हुआ है, ठीक है, रेपुटेटेड कंपनी के उससे लेना चाहिए तो आपको अच्छे से समझ अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें सबसे मेन हमको ये देखना था परसेंटेज ऑफ स्टील मिनिमम मैक्सिमम, बीम कॉलम फुटिंग के लिए सबके लिए, ठीक है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करना, जितना शेयर करोगे हम उतना ज़्यादा वीडियोस तैयार करते हैं आपके लिए। हमारे चैनल आपको कैसा लगता है प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिए। लास्ट वीडियो में आप सब ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कई लोगों ने कमेंट किया, हम मुझे वहाँ से कई ढेर सारे क्वेश्चन मिले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले हम आपके क्वेरीज देखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो यार, अगर आप कमेंट करते हो तो हमें लगता है अच्छा ये टॉपिक, कुछ भी टॉपिक आपको लगता है कि सर ये मैंने पढ़ा समझ नहीं आया, कमेंट कर दो,
जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं उसको पढ़ के अपना अगर पॉसिबल रहा तो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।